गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं डेस्टिनी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि नेहा की मॉम नेहा को कॉल करती हैं और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उन्हें सुना रही रहती हैं, क्योंकि घर लेना इज़ अ बिग डिसीजन और नेहा ने उस बारे में डिस्कस भी नहीं किया रहता है नेहा की मॉम के साथ। और उन्हें भी ये तब पता चलता है जब सडनली से बैंकर वेरिफिकेशन के लिए उनके घर पर आता है। तो इस बात पे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर नेहा को चिल्ला रही रहती है। दोनों को फ़ोन पर रहते हैं अब उसके आगे। नेहा अपनी मॉम को समझा रही रहती कि मॉम वो लोन इसलिए ले रही है क्योंकि सैम के साथ घर अच्छा है और वो अच्छी चीज़ें हैं। तभी उसकी मॉम चिल्लाती हैं कि तुम सैम के साथ घर क्यों ले रही हो, तुम्हें लेना भी है तो इंडिविजुअली लो ना, तुम्हें किसने बोला है सैम के साथ रहने, कल जाके तुम्हारी शादी होगी तो क्या सैम के साथ तुम लोगी? आई मीन कोई भी इंसान किसी के साथ घर लेता है जो उसके पार्टनर्स हो, तुम ऐसे कैसे ही सैम के साथ घर लेने की बात सोच भी कैसे सकती हो? और तुमने मुझसे डिस्कशन भी नहीं किया, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है नेहा? क्या हो गया है तुम्हें? तुम जब से मुंबई गई हो तुम बहुत बदल गई हो। मैंने तुम्हें मुंबई जाने के लिए बोला था घर की चीज़ों के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम खुद का घर खरीद रही हो, ये खरीद रही हो। और तुमने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। सैम कौन है? सैम सिर्फ तुम्हारी एक दोस्त है। कल जाके तुम्हारी ये जो पैसा तुमने इन्वेस्ट किया है अगर वो तुम छोड़ दोगी तो फिर क्या, सैम वो घर बेचेगी या वो तुमसे वो घर खरीदेगी? किस टाइप का लॉजिक चल रहा है मुझे? नेहा, इफ देयर इज़ अ समथिंग इज यू हैव टू टेल मी। तो मुझे बताओ क्या चल रहा है। मुझे ये तुम्हारा सैम के साथ ये सब इस तरीके का रिलेशन समझ में नहीं आ रहा है। दोस्ती तक ठीक था पर घर खरीदने की बात हो रही है, ये क्या बात हो रही है? तुम्हारे पापा भी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं तुम पर, तुम अपने पापा से बात करो। नेहा अपने पापा से बात कर रही रहती है, तभी उसके पापा बोलते हैं, बेटा हर चीज़ की तुम्हें इजाज़त है, तुम्हें घर लेना है तो मुझसे बात करती, तुम्हें मुंबई में घर चाहिए, तुम्हें मुंबई में शिफ्ट होना है तो मुझे बताती। पर ये क्या तरीका हुआ कि तुम्हारे बैंकर्स आके हमें बताते कि आपकी बेटी ने लोन के लिए अप्लाई किया है, हम यहाँ वेरिफिकेशन के लिए आए हैं, तुमने हमें बताना भी ज़रूरी नहीं समझा? ये तो बहुत केयरलेस बिहेवियर हो गया ना तुम्हारा। जिस नेहा को मैं जानता हूँ, मेरी जो बेटी है, वो ऐसे केयरलेस बिहेवियर नहीं करती है। तुमने हमें कुछ बताना ज़रूरी नहीं समझा? नेहा चल क्या रहा है? तभी नेहा बोलती, पापा मैं भूल गई थी, एक्चुअली सैम और मैं हम लोग घर देखने गए थे, सैम को एक्चुअली घर चाहिए था बट थोड़ा सा इशू हो गया था उसका पैसों वगैरह का, कि जो घर हमें पसंद आया था उसमें थोड़ा सा उसके साइड से कम हो रहा था और लोन मिल नहीं रहा था, इसलिए मैंने लोन लिया है और सैम और मैं मिलके वो घर ले रहे हैं। बट अगर फ्यूचर में कभी कुछ होता है तो सैम का ही है वो घर, और शी विल बी गिव मी अ मनी इफ़ आई डोंट वॉन्ट अ पार्ट ऑफ दैट हाउस। मैं अगर उस घर का हिस्सा भी नहीं बनूंगी तो वो मुझे वो पैसे दे देगी जो भी उसका शेयर्स होगा, यही हमारे बीच में डील हुई है पापा। आप सैम को तो जानते हैं ना, वो अच्छी लड़की है, वो ऐसे नहीं करेगी। और ऐसा भी नहीं है कि लोन सिर्फ मैंने लिया है और पूरा घर उसके नाम पर है, वो घर मेरे नाम पर भी होगा ना, मैं चाहूँ तो फ्यूचर में अपना आधा बेच सकती हूँ किसी को भी, वो दोनों हमारे नाम पर हो रहा है। पर पापा उसे वो घर बहुत पसंद आया था, वो घर उसके लिए बहुत अच्छा है, सैम तो फ्यूचर में मुंबई में ही शिफ्ट होना चाहती है, तो बस थोड़ी सी चीज़ों की कमी हो गई थी। और उसने ऐसा नहीं है कि उसने लोन के लिए पापा अप्लाई नहीं किया, उसने दो तीन जगह लोन के लिए अप्लाई किया बट उसे सिर्फ एक ही लोन मिल रहा था और एक ही जगह से लोन मिला, और जो कुछ भी पैसों की कमी हुई वो मैंने बोला कि मैं लोन लेके कर देती हूँ, पर उसने भी बहुत मना किया। पापा आपको पता है वो बहुत खुददार है, वो ऐसी नहीं है, पर मैं उसे सपोर्ट करना चाहती थी। पापा आप ही ने तो सिखाया है ना कि फ्रेंडशिप में सपोर्ट करना चाहिए, और जब अच्छी खासी दोस्त हो तो आपने भी तो अपने फ्रेंड्स को बहुत सपोर्ट किया है, तो आप मुझे क्यों रोक रहे हो सपोर्ट करने के लिए? तभी उसे पापा, बेटा मैंने उन्हें सपोर्ट किया है बट मैंने ऐसे घर वर लेने के लिए चीज़ पर सपोर्ट नहीं किया है, उन्हें पैसों की ज़रूरत होती थी तो मैं कर देता था ना, बट मैंने ऐसे तो सपोर्ट नहीं किया है ना। और फिर घर छोटी सी बात नहीं है बेटा, बहुत बड़ी बात है, ये एक प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी के आने के बाद बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। तुम दोनों तो एक दूसरे को सिर्फ दोस्त हो, लोग तो यहाँ पर रिलेशंस में भाई बहन में लड़ाई हो जाती है, भाई भाई में लड़ाई हो रही है, बहन बहन में लड़ाई हो जाती है,
तुम नहीं समझ रही हो, ये बहुत बड़ी चीज़ है। नेहा बोलती, पापा पहले आप तो शांत हो, मम्मी की तरह आप क्यों रिएक्ट कर रहे हो? मम्मी तो वैसे भी गुस्सा होती रहती हैं, पर आप मेरी बात तो सुनो। आपने अपने दोस्त को पैसे दिए क्योंकि आपके पास थे, आप कैपेबल थे। उस समय मेरे पास भी इतने पैसे नहीं है जो उसको चाहिए, इसलिए मैंने लोन का सहारा लिया। मैं तो उसको बोल रही थी कि सिर्फ घर उसके नाम पर हो और मैं सिर्फ उसे पैसे दे दूंगी, बट वो ऐसी है कि वो मानने के लिए रेडी नहीं थी। उसने बोला कि अगर घर लेंगे तो दोनों के नाम पर होगा, फ्यूचर में भी तुम्हारा भी पूरा हक होना चाहिए। पापा वो वैसी ही है, वो मेरा मेरा फ़ायदा नहीं उठाती है बाकी लोगों की तरह। आप जब भी उसे मिलोगे तो आप बहुत खुश होगे। पापा वो आप जानते तो हो सैम कैसी है। आपको मुझ पे ट्रस्ट है कि नहीं पापा, प्लीज़? नेहा के पापा बोलते हैं कि मुझे बेटा तुम पे भी ट्रस्ट है, सैम पे भी ट्रस्ट है, बट प्रॉपर्टी पे ट्रस्ट नहीं है। प्रॉपर्टीज मैटर्स, मनी मैटर्स, कॉन्फ्लिक्ट कर देते हैं, अच्छा अच्छा रिलेशन ख़राब कर देते हैं। मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारे और सैम के बीच में कोई भी रिलेशन ख़राब हो। तभी वो बोलती, पापा नहीं होगा, आई प्रॉमिस ना। अगर होना होता तो वो पहले ही हो जाता, वो मुझसे पैसे लेती, अपने नाम पर लेती करती, लेकिन वो ऐसी नहीं है। उसने पूरा बकायदा मेरे नाम पे किया, और प्लीज़ पापा उसे प्रॉपर्टी लेनी है तो लेने दो ना, इसी बहाने मेरी भी तो प्रॉपर्टी हो रही है। और आप ही ने तो सिखाया था ना कि पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए अच्छी जगह। सैम बहुत इन्वेस्टमेंट टाइप गर्ल है, वो बहुत फ्यूचर प्लानिंग वगैरह ये सब करती है। उसके साथ रह के मुझे अच्छा लगता है। और पापा, मैं मम्मी को नहीं समझा सकती हूँ, पर आप तो समझा सकते हो ना, आप जाकर उन्हें समझाइए कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो प्रॉपर्टी मेरी भी रहेगी। पापा प्लीज़, आई नो मैंने आपके साथ गलत किया, इट वॉज़ वेरी बैड बिहेवियर कि मुझे बताना चाहिए था, बट मैं काम इन सब में इतनी ज़्यादा उलझ गई थी कि मैं आपको बताना ही भूल गई। यहाँ पर ऑफिस का टेंशन इतना था कि मैं बताना आपको भूल गई। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट पापा समझो ना, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। और मम्मी को मना लीजिए ना आप, मैं एक्चुअली थोड़ी बाहर हूँ, ऑफिस की पार्टी है। तो बोलते हैं हाँ ठीक है, ऑफिस की पार्टी अटेंड करो, मम्मी को मत बताना वरना वो और गुस्सा करेगी कि तुम बिगड़ गई हो, पार्टीज़ वगैरह ज्वाइन करने के लिए जाती रहती हो। मैं उससे बात करता हूँ, जब वो ठंडा ठंडा उसका गुस्सा वगैरह शांत होगा मैं उससे बात करूँगा। पर बेटा प्रॉपर्टी अच्छी जगह ली है ना, कोई गलत वगैरह तो नहीं लिया। अगर तुम चाहो तो मैं मुंबई में आके एक बार देखना चाहूँगा मेरी बेटी कहाँ पर पैसा इन्वॉल्व कर रही है। तो नेहा बोलती है हाँ पापा आप कल ही आ जाओ। तो कहते हैं हाँ कल ठीक है, कल संडे है, मैं आता हूँ, और वो ब्रोकर्स को भी बुला लेना, देखूँगा फिर दूँगा। ऐसे बोल के जो नेहा के हैं पापा वो फ़ोन रख देते हैं। सैम दूर से देख रही रहती है, उसे सब कुछ समझ में आ चुका रहता है कि कुछ तो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, लेकिन वो इतनी मैच्योर्ड भी रहती है कि उस बीच में वो नहीं पूछती है। जैसी नेहा आती है तो बोलती है एवरीथिंग इज़ फाइन, तो कहती है पापा कल आ रहे हैं। सैम बोलती है क्यों पापा क्यों आ रहे हैं, क्या हो गया? तो कहते हैं अरे मैंने आपको बताना ही भूल गई कि वो प्रॉपर्टी के लिए, मतलब हम प्रॉपर्टी खरीदे हैं उसके लिए, लोन के लिए मैंने अपने फैमिली का घर वर दिया था, तो वेरिफिकेशन के लिए मेरे घर की प्रॉपर्टीज़ वगैरह चेक हुई, तो पापा मम्मी को पता चल गया कि मैं घर ले रही हूँ। सैम को थोड़ा सा गुस्सा आता है और सैम उसी तरफ गुस्से में बोलती है तो आर यू आउट ऑफ योर माइंड? मैंने तुम्हें बोला था ना कि लोन की ज़रूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूँगी हर एक चीज़ें, पर नहीं तुम्हें तो ज़्यादा इन्वॉल्व करना, और चलो इन्वॉल्व हो भी रही हो तो तुमने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा कि तुम गारंटी वे में उधर डाल रही हो यार। तो कहती अरे बीबी वो फॉर्म था उसमें लिखा था तो मैंने डाल दिया, मुझे क्या पता था वो सच्ची में जाके चेक करेगा। नहीं हाँ वो लोन है, वो फ्री में ऐसे लोन नहीं देते हैं, ऑफकोर्स वो चेक करेंगे अगर आप लिखोगे तो। बीबी तुमने गारंटी में क्या डाला ये बताओ, अपनी घर की ही डाली ना, इंदौर की प्रॉपर्टीज के बारे में? तो कहती है हाँ। तो बीबी मैंने भी तो बस यही किया ना, अब मुझे क्या पता था चले जाएगा, और फिर तुम्हारे यहाँ मैंने अपनी मॉम को पहले ही बता दिया था कि गारंटी के लिए वो चेक होगा, पर तुमने नहीं बताया था ना। हाँ मैंने नहीं बताया, बस यही इशू है, लेकिन मैंने हैंडल कर लिया है, पापा को सब कुछ बता दिया है। पापा रेडी हो गए तुम्हारे और मेरे साथ घर लेने के लिए?
नेहा बोलती है नहीं वो राइडिंग नहीं हुए हैं, लेकिन उन्हें थोड़ा सा घुमा फिरा के मैंने चीज़ें समझाई है तो वो रेडी हो चुके हैं। सैम उसके थोड़े करीब आती है, उसकी कमर को अपने हाथ रखती है, अपने को खींच के बोलती क्या घुमा फिरा के बताया बच्चा आपने। तभी वो बोलती है मैंने ऐसा बोला कि सैम को प्रॉपर्टी की ज़रूरत, मतलब प्रॉपर्टी लेनी थी, पैसों की कमी हो गई थी तो मैंने लोन लेके उसकी हेल्प करी, पर वो इतनी खुददार है कि उसने मेरा प्रॉपर्टी पे नाम डाल दिया जबकि वो सिर्फ उसी की प्रॉपर्टी थी। ये वो करके बोला आई नो, थोड़ा गलत वे में, मैनिपुलेटिंग वे में कहा, बट भी यार जब सही वक्त आएगा मैं उन्हें अपने रिलेशन के बारे में बता दूंगी ना। सैम बोलती है ओके अभी हम चलें, पार्टी लगभग ओवर हो चुकी है, अब हमें घर चलना चाहिए। तो कहती है हाँ अच्छा सुनो ना सैम, पापा आ रहे हैं, ब्रोकर वगैरह से आप बात कर लो ना कि कल देखने आएंगे कि कहाँ पर ले रहे हैं। तो कहती है ओके ओके मैं कर लूँ, चलो चलते हैं अभी, कैब बुक करूँ मैं। कहती है नहीं आज कैब से नहीं जाएंगे। तो कैसे जाएंगे, लोकल ट्रेन से चले, मुझे आज लोकल ट्रेन में घूमना है। सैम उसकी तरफ देखते बोलती है बेबी नहीं, ड्रेस देखो लोकल ट्रेन के लायक ड्रेस नहीं है हमारी, हमारी पार्टी वेयर ड्रेस है बेबी, हम नहीं जा सकते हैं। पर मुझे जाना था, नहीं है सेफ नहीं है, अगर सेफ होता तो मैं आपको खुद लेकर जाती, कल जब पापा के साथ प्रॉपर्टी देखने जाएंगे तब लोकल ट्रेन में ट्रैवल करेंगे ठीक है, पापा को लेकर। पापा को लेकर तो अपन कैब से चले जाएंगे, आते टाइम देख लेंगे। अरे पर अभी नहीं ले जा सकते ना बेबी यार, समझो ड्रेस सही नहीं है, लोकल ट्रेन में ट्रैवल करना नॉट सेफ। फाइन ठीक है चलो कैब बुक करो, नेहा कहती है। फिर सैम कैब बुक करती है और ये दोनों अपने फ्लैट के वहाँ पर चले जाते हैं। फ्लैट पर जाने के बाद सबसे पहले तो जो सैम और नेहा रहते हैं पहले ब्रोकर्स को कॉल करते हैं, उसे सब चीज़ डिटेल्स बताते हैं, ऐसा ऐसा है ये है, पापा आ रहे हैं, हर एक चीज़ पहले से उसे समझा कर रखते हैं और वो काफ़ी अच्छे से समझ जाता है कि उसे टाइम टू टाइम आना है, क्योंकि जो नेहा के जो फादर रहते हैं वो पंचुअलिटी वाले रहते हैं, उन्हें पंचुअलिटी बहुत ज़्यादा पसंद होती है और ये सब गेम पंचुअलिटी का रहता है, तो अगर वो नहीं आए टाइम पर तो बहुत ज़्यादा इशू हो जाएगा। तो सब चीज़ उसी के हिसाब से चल रही रहती है, पंचुअलिटी को ध्यान में रख के हर एक चीज़ की जाती है। रात का टाइम रहता है तभी शाम के पास कॉल आता है राहुल का, राहुल का जैसे कॉल आता है तो नेहा उसे बोलती है स्पीकर पे रखो, और स्पीकर पे रखते हैं और जैसे वो लोग सुनते हैं तो वो बोलते हैं कहाँ है क्या है, नूर के साथ तेरी बात बनी कि नहीं, हुआ कि नहीं। तो वो बहुत ज़्यादा खुश होकर बोलता है नेहा नेहा थैंक यू सो मच यार, तुमने अगर मुझे मोटिवेट नहीं किया होता या मुझे वो चीज़ समझाई नहीं होती तो मेरे में आज इतनी इतनी गट्सी आती नहीं यार नूर से बात करने के लिए। नूर बहुत अच्छी है सैम, यू लॉस्ट हर एक्चुअली, बट थैंक यू फॉर लॉस्टिंग हर, तब जाके तो वो मेरे पास आई है। तो नेहा बोलती है कि व्हाट डू यू मीन बाय लॉस्टिंग हर, शी इज़ ऑल्सो वेरी हॉट ओके, सैम को कुछ मत बोलो, सैम मेरे लिए ही है और उसने लॉस नहीं किया है, मुझे तो पाया है ना, तुम तो मतलब मेरी बेइज्जती कर दो, राहुल को कहती है। तो वो कहते अरे नहीं मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ यार, बट यार मेरा कहने का मतलब सिंपल सा ही है कि थैंक यू यार सपोर्टिंग मी, मुझे बहुत सारी बातें करी मैंने नूर के साथ और हमारी बहुत अच्छी कन्वर्सेशन हुई है, काफ़ी ज़्यादा हद तक हमारे बीच में बात अच्छे से हुई है, मुझे उसके साथ बात करना ये सब बहुत अच्छा लगा। सैम बोलती है तो बात आगे बढ़ी, तो कहती है हाँ बात तो आगे बढ़ी है, मैं कल उसके साथ घूमने जा रहा हूँ। तो सैम बोलती है बढ़िया है ऑफ कोर्स, और सुन डेट पे जा रहा है, अट्रैक्टिव वे पे जाना, अट्रैक्टिव वे पे ओके। तो कहता है हाँ यार नेहा क्या तू मुझे बताओगी कि मुझे किस तरीके से जाना चाहिए, आई मीन क्या करना चाहिए, प्लीज़ हेल्प मी। तभी जो सैम रहती है वो कहती है आर यू किडिंग, तू मुझसे पूछता था ये सारी चीज़ें आज तू नेहा से पूछ रहा है, पार्टी कब बदल दी तूने। तो कहती है नहीं यार पिछली बार तुझसे जब पूछा था तो लड़की तेरे स्टाइल पे फ्लैट हो गई थी।
मैं नेहा को भी पटाने गया था यार, तो मैंने तूने जैसा बोला था मैंने किया, पर नेहा को मेरे से ज़्यादा वो सारी चीज़ें पसंद आई थी जो एक्चुअल में तूने करी थी। वो तेरा स्टाइल था, लोग तेरे स्टाइल पे मरते हैं सैम, तेरे हर एक चीज़ पे मरते हैं, भले वो तू किसी से भी करवाए, वो इंसान वो चीज़ों के लिए पागल हो जाता है। नेहा भी उनमें से ही थी, और नेहा क्या, हर लड़की तेरी उसी स्टाइल पे मर जाती है, फिर जब वो स्टाइल उनको नहीं मिलती है ना तो बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है। मैं वैसा नहीं हूँ यार, हर पल मैं तेरे से पूछ नहीं सकता ना, बट नेहा मैं तुमसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से तुमने मुझे मोटिवेट किया और मुझे बोला और ये बोला कि जेन्युइन होकर जाओ, जो हो वो बताओ, वो चीज़ मुझे दिल पे छुई और आज कम से कम मेरी बात तो हुई यूँ से। तो तुम मुझे बताओ कि लड़कियाँ एक्चुअल में क्या चाहती हैं। सैम तो फ्लर्टी है, उसको छोड़ दो, तो मुझे बताओगी। तभी नेहा कहती है गर्ल्स क्या चाहती हैं। नूर जिस टाइप की लड़की है उसे रियलिटी पसंद है, उसे सच्चाई पसंद है, तो तुम जैसे हो वैसे करो, तुम जितना कर सकते हो उतना करो, कोई हाई फाई बनने की ज़रूरत नहीं है, एक्चुअल में जो हो तुम वो बताओ ना। गर्ल्स वो चीज़ पसंद करती है जो तुम हो। सैम को मैंने वैसे पसंद किया जो एक्चुअल में सैम है। सैम फ्लर्टी नेचर की है, मस्ती खोर है, उसे हर चीज़ लाइफ को एंजॉय करना पसंद है, और मुझे उसके साथ ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि वो मुझे खुश रखती है। नूर को किस तरीके से तुम खुश रख सकते हो वो सब चीज़ें करो। हर लड़की अलग-अलग होती है, हर लड़की के विचार सोच अलग होती है, किसी को फ्लर्ट पसंद होता है तो किसी को सीरियस टॉक पसंद होती है, किसी को नॉर्मल कन्वर्सेशन अहेड करना पसंद है। तो तुम उस हिसाब से देखो, अभी तुम नूर के साथ इतना टाइम स्पेंड करके आए हो, तुम्हें ये तो पता चला होगा कि उसे फ्लर्ट वगैरह पसंद है या फिर उसे एक जेन्युइन कन्वर्सेशन पसंद है, क्या पसंद है उसे। तभी राहुल बोलता है कि उसे जेन्युइन कन्वर्सेशन पसंद है क्योंकि उसने फ्लर्ट वगैरह नहीं किया, उसे नॉर्मल मेरे साथ बहुत सारी बातें डिस्कस करी है, वो मुझे अच्छा लगा। तो नेहा कहती है कि हाँ, जब तुम्हें वो चीज़ें पता चल गई है तो उसके साथ जेन्युइन डेट पर जाओ, जेन्युइन तरीके से उससे बात करो, जो हो तुम वो बताओ, उसे क्या पसंद है क्या नहीं है सब चीज़ अच्छे से बात करो, अपना लाइफ का गोल बताओ, उसे कैसे खुश रख सकते हो ये बताओ, बस यही तो है और कुछ नहीं। सैम इस बारे में बहुत ज़्यादा खुश होती है और खुश होकर वो ये देख रही रहती है कि उसकी जो वाइफ है वो बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड है और वो हर चीज़ को हर तरीके से हैंडल कर सकती है। वो राहुल को बहुत सारी बातें समझा रही रहती है कि कैसे उसको करना है। ये बात देख के उसे सैम को बहुत ज़्यादा खुश होता है कि जो नेहा है उसने कभी भी सैम को जज नहीं किया। हाँ, वो फ्लर्टी नेचर की है, सैम थोड़ा सा फ्लर्ट करना पसंद है, मस्ती मजाक वाली है, बट वो दिल की बहुत अच्छी है सैम, जो चीज़ नेहा ने उसे नोटिस किया। जब सारी कन्वर्सेशन ख़त्म हो जाती है तो नेहा बाजू में आके सैम पे बैठती है। नेहा बोलती है कि अब क्या, तो वो कहती है क्या, तुम ऐसे देख क्यों रही हो, तो कहती कुछ नहीं, मैं देख रही हूँ कि मेरी वाइफ ही बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड हो गई है, जो लोगों को लव गुरु बन के गाइड कर रही है। हाँ, मैं ये सोच रही थी कि ये जितना भी असर जो हुआ है लव गुरु वाला वो तो सब मेरा ही रंग है ना बेबी, यार मैं कितनी अच्छी हूँ ना, ये सारा रंग मैंने ही तुम्हें चढ़ाया है ना। नेहा बोलती है हो गया तुम्हारा, मतलब हद नहीं है तुम्हारी, हर चीज़ में बस अपना ही श्रेय लेना है, मतलब मैं कुछ भी करूँ सब तुम्हारी वजह से ही है। तो सैम बोलती है ऑफ कोर्स बेबी, सब कुछ मैंने ही तो किया है और मैं ही करती हूँ हर एक चीज़ें, जब से तुम मुझे मिली हो तुमने ये नहीं देखा कि तुम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी हो, कहाँ वो बहन जी टाइप थी और कहाँ मैंने आज मॉडर्न एंड सेक्सी बना दिया तुम्हें। बेबी ये सब हो रहा है ना, सब मेरा ही तो असर है, यू नो हाउ आई एम। नेहा बोलती है हो गया तुम्हारा, जब देखो शुरू हो जाती हो तुम,
मतलब एक मौका नहीं छोड़ती हो फ्लर्ट करने का। हाँ अब तो मतलब फ्लर्ट लोग करते पटाने के लिए, तुम्हारे पास ऑलरेडी पटी पटाई है पर फिर भी तुम्हारा फ्लर्ट नहीं जाएगा। सैम योर नेचर इज़ लाइक सो गुड ना, आई नो, सैम कहती है। तभी नेहा बोलती मुझे कुछ कहना ही नहीं है, मैं जा रही हूँ सोने, तुम आ रही हो? नेहा बोलती है कि सैम सॉरी सैम बोलती है कि जाओ तुम सोने, मैं आ जाऊँगी बाद में, मुझे थोड़ा सा टीवी देखनी है। तो कहती है नहीं हम सोने चल रहे हैं चलो। सैम बोलती है बेबी टीवी देखने दो ना, थोड़े टाइम तो देखने दो, टीवी में चल के आ रहा है, देखेंगे, तुम जाओ मुझे नींद नहीं आ रही है, सो जाओ। तो कहती है ओके मैं जा रही हूँ। वैसे करके नेहा चली जाती है बेडरूम पर, सैम टीवी देख रही रहती है, सॉन्ग सुन रही रहती है, टीवीज को चेंज कर रही रहती है, वो थोड़ा टाइम अच्छा खासा उसमें बिता रही रहती है। नेहा बहुत देर तक वेट करती है, करीब आधे घंटे तक सैम नहीं आती, तो फिर नेहा उसके बाजू में आके बोलती है कि तुम्हें नहीं आना है क्या सीरियसली? तो सैम बोलती है नहीं मैंने ऐसा कहाँ कहा, मैंने कहा मेरे को टीवी देखने दो, थोड़े टाइम के बाद आ जाऊँगी, और वैसे भी आप आधे घंटे से सोए नहीं। सैम बोलती है, तब नेहा बोलती है कि मैं सो जाती पर मुझे नींद नहीं आ रही। तो सैम उसको अपने करीब लेती है, अपनी बाहों में अच्छे से करके बोलती है क्या है ना बीबी, मेरे साथ ही नींद आएगी, अब तुम्हें ऐसी नींद आती नहीं है तो मैं क्या करूँ, सोना तो तुम्हें मेरी बाहों में ही है, मेरी बाहों में सोकर ही तो तुम्हें सुकून मिलता है। नेहा बोलती है बीबी फ्लर्ट करना बंद करो, और मुझे सच्ची में नींद आ रही है, और जब तुम्हें पता है कि मुझे तुम्हारे साथ ही नींद आती है तो चलो ना प्लीज़ मुझे नींद आ रही है। सैम सैम उसका बच्चों जैसा मुंह देख के बोलती है अरे मैं क्यों जाऊँ, सो जाओ अकेले। तो कहती है चलो ना प्लीज़। तभी सैम टीवी वगैरह बंद करती है, नेहा को अच्छे से बोलती है चलो, दोनों उठते हैं बेड पे जाते हैं। नेहा जैसे ही सैम को हग करती है वो वैसे ही सो जाती है। सैम उसका ये रूप देख के बहुत क्यूट सा रहता है, सैम को बहुत ज़्यादा प्यार आता है नेहा के इस क्यूट क्यूटनेस की वजह से। सैम और नेहा अब दोनों एक दूसरे के साथ इतने इन्वॉल्व हो चुके रहते हैं कि अगर नेहा को सैम नहीं मिले और सैम को नेहा ना मिले तो ये दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। आखिर कपल लाइफ तो ये लोग ऑलरेडी बिता ही रहे थे, एक ही फ्लैट में थे, एक ही सब कुछ है, तो हस्बैंड वाइफ वाली फीलिंग्स तो आ ही रही थी दोनों को। थोड़ी देर में जो सैम रहती है वो नेहा के फोरहेड पे किस करती है, और वो भी उसे कंफर्टेबल्स बना के आराम से सो जाते हैं। पूरी रात इन लोग की ऐसी चली जाती है। जब वो मॉर्निंग में उठती है तो नेहा सबसे पहले उठती है एज़ यूजुअल, और नेहा उठ के अपने पूरे घर का सारा काम कर रही रहती है, वो बहुत सारी अच्छी अच्छी डिशेस बनाती है। तब तब सैम सो ही रही रहती है, तभी नेहा चिल्लाती है बेबी उठ जाओ कितनी देर हो गई है, पापा आ रहे हैं, तुम्हारे ससुर जी आ रहे हैं, अगर तुम्हें कुछ काम हो तो कर लो। तभी सैम एकदम से नींद से उठती है, अरे मेरे ससुर जी आ रहे हैं सोच कर, और जल्दी जल्दी वो फ्रेश होती है, जाती है, तैयार होती है, ब्रोकर को फ़ोन लगाती है कि टाइम पर आ जाना, अगर तुम टाइम पे नहीं आए ना तो मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। वो बहुत अच्छे से उसे समझाती है इंस्ट्रक्शन। करीब 11:30 बज चुके रहते हैं, 11:30 पे बैल रिंग होती है और वो उसके पापा आ चुके रहते हैं। जैसे ही पापा आते हैं सैम और नेहा को साथ में देख के वो खुश भी होते हैं और थोड़े से दुखी भी होते हैं कि जो ये लोग, वो सैड इसलिए होते हैं क्योंकि उनका ये जो घर लेने का जो डिसीजन रहता है उस पर वो लोग खुश नहीं रहे, मतलब उसके डैड खुश नहीं थे, चाहते थे कि इतना इन्वॉल्वमेंट ना हो किसी भी चीज़ के लिए, दोस्ती एक लिमिट तक हो तो ज़्यादा बेटर है, बट यहाँ पे दोस्ती की लिमिट ज़्यादा बढ़ रही थी तो ये चीज़ उन्हें पसंद नहीं आ रही थी। हालांकि वो अब कुछ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि नेहा ने अपना डिसीजन सुना दिया था कि पापा आपकी, आप जैसे हो वैसे ही आपकी बेटी भी है। थोड़ी देर इनके बीच में ऐसी कन्वर्सेशन चलती है, बैठते हैं, वो अच्छे से बात बात करती है, जो उसने इतनी सारी डिशेस बनाई रहती है खाने की अपने पापा के आने की खुशी में वो सब देते हैं इन लोग, पूरे तरीके से ब्रेकफास्ट, मतलब हैवी ब्रेकफास्ट कह सको आप, तो करते हैं। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद जो
उसके पापा हैं वो सैम से पूछते हैं, बेटा तुम्हें प्रॉपर्टी यहीं क्यों लेनी है? कहती है कि अंकल एक्चुअल में ये जो प्रॉपर्टी है, ये फ्लैट है, ये कंपनी की तरफ से है, ये आज नहीं तो कल तो जाना ही है। जब तक कंपनी में हूँ तो हमें मिलेगा, लेकिन जब कंपनी में रहकर मुझे इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है तो मुझे इसका फ़ायदा उठाना चाहिए ना। तो मेरे पैसे तो रहने खाने के तो बच ही रहे हैं, तो वही पैसे अगर मैं EMI में भर दूँ तो इसी बहाने मैं प्रॉपर्टी भी ले लूँगी अपनी, और इस कंपनी में आज नहीं तो कल तो छोड़ दूँगी ना। मतलब अभी तो मैं मैनेजर हूँ अच्छी खासी, बट थोड़े टाइम के बाद तक जब तब होता है अगर बेटर अपॉर्चुनिटी कहीं और मिली, बेटर सैलरी, बेटर सब कुछ मिला तो वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, अगर वहाँ फ्लैट नहीं मिला तो इसलिए खुद की प्रॉपर्टी तो होना चाहिए आज नहीं तो फ्यूचर में। और कल मेरे साथ जो भी रहेगा मेरे पार्टनर को भी तो सिक्योर्ड बनाना चाहिए। जैसी वो ये बोल देती है जो तो नेहा का एकदम से फेस हो जाता है कि वो अपने पापा के पीछे खड़ी रहती है, तो अपना वो फेस बना के बोलती है प्लीज़ कुछ मत कहना अभी, प्लीज़ कुछ मत कहना, वो अपना फेस के एक्सप्रेशन देख के कह रही रहती है। तब उसके पापा बोलते हैं पार्टनर मीन्स क्या, तुम्हें शादी करके किसी और के घर जाना है, उसे प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, तुम्हें क्या ज़रूरत है, जो नेहा के पापा सैम से कहते हैं। तभी सैम बोलते हैं कि अंकल वो बात जो आपने कही वो सही है, बट ये भी तो हो सकता है ना कि मैं शादी ना करूं, ये भी हो सकता है कि मुझे मेरे पार्टनर पे डिपेंड होना पसंद ना हो, कुछ भी हो सकता है ना। और सर आज की दुनिया में अंकल मैं ये चाहती हूँ कि गर्ल अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उन्हें पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और प्रॉपर्टी इज़ अ जस्ट अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो हमारी लाइफ को बहुत सिक्योर बनाता है ना। तो मैंने ये सोच कर लिया है, ये सोच कर कि पार्टनर पे डिपेंड होना मुझे पसंद नहीं है पर्सनली बोलूँ तो। नेहा एक लंबी सांस लेती है और बोलती है कि चलो इसने कुछ तो सही से आंसर दिया, पता चला ये बोल देगी कि मेरे लिए सब कुछ कर रही है। उसे इस बात का डर हमेशा से रहता था क्योंकि जो सैम थी वो बहुत ओपन पर्सन थी, ओपन मतलब अगर वो अपनी वो सामने वाले को अपना समझती थी तो वो ओपनली कह देगी, उसे किसी बात का डर नहीं रहता था। वो जब अपने पेरेंट्स के सामने खुलकर आ गई थी, जब वो अपने फ्रेंड्स के सामने खुलकर आ चुकी है रिलेशनशिप के लिए, तो उसे किसी को भी कहने में उसे अफसोस तो होता ही नहीं था। उसके पापा नेहा की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि मुझे सैम की सोच अच्छी लगी कि वो किसी पे डिपेंड होना नहीं चाहते इंडिपेंडेंट, तुम्हारी दोस्त काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है और तुम दोनों मिलके अगर प्रॉपर्टी ले रहे हो तो मुझे कोई इशू तो नहीं है, बट याद रखना इस प्रॉपर्टी के चक्कर में तुम दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, दोस्त बहुत कीमती होते हैं, मैंने अपना दोस्त खोया है एक कुछ प्रॉपर्टीज़ के चक्कर में, इसलिए मुझे डर लगता है, दोस्ती बहुत अच्छी होनी चाहिए, इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सैम अपने उनके पास आकर कहती है अंकल मैं वादा करती हूँ मेरी इस प्रॉपर्टी की वजह से नेहा को कभी कोई इशू नहीं होगा और ना हमारी कोई दोस्ती में फ़र्क पड़ेगा, मैं इसे हमेशा से खुश रखूँगी, ये मेरे साथ हमेशा खुश रहेगी। नेहा फिर घूरने लगती है कि ये तो यार अभी स्टार्ट मत हो जाना, पर उसके पापा कहते हैं हाँ दोस्ती ऐसी होनी चाहिए, और यहाँ पर कन्वर्सेशन अच्छे से ख़त्म होती है। थोड़ी देर में जो सैम होती है वो कैब बुक करती है, वहाँ से जाती है और वो जिस पवई एरिया में जाकर उन्होंने फ्लैट पसंद किया होता है वो फ्लैट दिखाने लगते हैं। ब्रोकर भी टाइम से आता है क्योंकि इस बार सैम ने उसे करीब 15-20 कॉल करके पहले इन्फॉर्म किया रहता है, वो सब कुछ बताता है। जो उसके पापा रहते हैं वो पहले से ही प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, तो जब उसके पापा वो पूरी प्रॉपर्टी देखते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है और वो हर एक एक चीज़ ब्रोकर से डीपली तरीके से पूछ रहे रहते हैं कि क्या है उस एरिया के आजू बाजू में, कितना ग्रोथ है, क्या ये सीरियसली ये प्रॉपर्टी इतनी वर्दी है इतने करोड़ रुपए की, वो सब कुछ चेक करते हैं और उनको काफ़ी अच्छा लगता है और सुनने के बाद उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने सही किया है। और उसके पापा को सब कुछ नॉलेज रहता है तो वो लेते हैं, जब वो सारी पूरी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि उन्होंने प्रॉपर्टी अच्छी ली है, पापा भी उसके बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब फ्रेंड्स आगे देखते हैं होता है क्या। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए, मुझे मोटिवेट करिए, और इतना सारा जो आप प्यार कमेंट्स मुझे देते हैं वो हमेशा से देते रहिए। थैंक यू सो मच।